हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेटा के मंत्र चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन का जो डाटा होता है वो अपने डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप में आप वायरलेस से कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि अपने मोबाइल फोन में FTP सर्वर बनाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम FTP की तरह, जिसे हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसकी सहायता से यहाँ पे अपना जो वायरलेस या डाटा ट्रांसफर जो अपने डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप में कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप को वहाँ पे FTP क्लाइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके लिए करना क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन में कोई भी फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोर होना जरूरी है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि पहले ही वहाँ पे कंपनी की तरफ से जो आपके वहाँ पे फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोर होता है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें FTP का ऑप्शन होना चाहिए। या फिर दोस्तों आपके ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे प्ले स्टोर पर जाकर आप वहाँ पे सर्च मार सकते हैं फाइल मैनेजर या फिर फाइल एक्सप्लोरर, इस तरह सर्च मार सकते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, जो आपको बेस्ट लगता है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों उससे बाद हम दोस्तों क्या करेंगे कि अपना जो फाइल मैनेजर है उसको खोलूंगा। यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोर में भी आपको दिखाऊंगा, पर सबसे पहले जो फाइल मैनेजर जो पहले मेरे इंस्टॉल है उससे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फाइल मैनेजर खोलने जा रहा हूँ। फाइल मैनेजर में खोलने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ FTP या फिर रिमोट के ऊपर भी आप टिक करके कर सकते हैं, या फिर आप जैसे यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं FTP। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से आप IP दूंगा और उसे पोर्ट दूंगा, तो वहां पे मैं इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं FTP लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम इसके ऊपर जो क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि FTP का ऑप्शन खुल चुका है, पर दोस्तों उससे पहले भी आपके क्या होना जरूरी है कि दोनों आपके डिवाइस में वहां पे आपके वायरलेस कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों मेरे जो मोबाइल फोन में जो हर किसी के जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, मतलब वाईफाई होता है, और यहाँ पे मेरा जो डेस्कटॉप पीसी है उसके अंदर भी जो वाईफाई वाला जो मेरा मदरबोर्ड है, और वहां पे दोस्तों उन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए वहां पे एक राउटर का होना जरूरी है। अगर दोस्तों वहां पे आपके राउटर नहीं हुआ तो आपके फिर वायरलेस डाटा ट्रांसफर जो नहीं होगा। अगर दोस्तों आपके वहां पे राउटर नहीं है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि मोबाइल हॉटस्पॉट होता है जो आपके मोबाइल फोन में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां पे आपका जो वायरलेस डाटा ट्रांसफर हो सके। इसके साथ दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल में जो डाटा होता है उसको भी ऑन करना पड़ेगा। यहां पे उसका इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों, ना उसके थ्रू वहां पे जो सेंड फाइल होगी या रिसीव फाइल होगी, मतलब कॉपी पेस्ट होगी, वहां पे सिर्फ वो क्या करेगा कि एक IP एड्रेस जो वहां पे डिटेक्ट करने के लिए वहां पे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे जो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मेरे वहां पे राउटर है जिसके थ्रू मैंने कनेक्टिविटी की है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और सेटिंग में ऊपर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों जैसे देख सकते हैं मैंने पोर्ट की सेटिंग यहाँ पे 2121 की है। यहाँ पे दोस्तों आपको पोर्ट की सेटिंग 2121 इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि वहां पे आपको कनेक्टिविटी में वहां पे दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए वहां पे कई बार होता है कि वहां पे ऑटोमेटिकली पोर्ट डिटेक्शन होता है या फिर ऑटोमेटिक पोर्ट चूज होता है, तो वहां पे कई बार आपकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसे नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे मेरे किसी किसी पहले है, तो यहाँ पे जैसे मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। स्टार्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं तो यहाँ पे मेरे आ चुका है एक तो पोर्टेबल नोट सिक्योर। अगर आप थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पोर्टेबल नोट सिक्योर कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पासवर्ड प्रोटेक्शन करना चाहूंगा कि वहां पे किसी को मोबाइल फोन के मेरे साथ यानी कि जो FTP यानी कि दूसरा कोई एक्सेस ना कर पाए, तो वहां पे इस करके। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ओके, और यहाँ पे दोस्तों मैं उसका यूजर नेम जैसे एडमिन और यहाँ पे पासवर्ड दे चुका हूँ। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, और या फिर आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करना तो सिंपल आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा FTP का जो सर्वर आ चुका है, जैसे उसकी देखिए FTP यहाँ पे 192.168.1.5 और वहाँ पे 2121 जो पोर्ट आ चुका है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इससे बाद आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मोबाइल में जो सब कुछ हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो वायरलेस ही है, आप जैसे देखिए यहाँ पे फोन है इसमें कनेक्टिविटी हुई है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, उसके बाद PC में जाना हमें। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको PC में जाना, और जैसे PC होता है ये, जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं दिस PC, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि एड ए नेटवर्क लोकेशन करनी है। नेटवर्क लोकेशन करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उससे बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो ये सेम एड्रेस है आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मैं दोस्तों भर देता हूँ, तो यहाँ पे तो जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने सेम एड्रेस भर दिया जो मेरे मोबाइल फोन में है। अब दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं सिंपल नेक्स्ट, और यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब यानी कि, तो आप सिंपली लॉग ऑन इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे अनटिक करना पड़ेगा अगर आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन है। यहाँ पे इस करके मैंने किया है, आपको ये बताया कि पासवर्ड प्रोटेक्शन है ताकि आपके कई बार जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है तो आप सिक्योरली यहाँ पे जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मेरा वहाँ पे जो था यूजर नेम भर देता हूँ यहाँ पे, उससे बाद दोस्तों नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, मान लो कि मेरा फोन का नेम दे सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है।
या आप सेम वही रेंट देंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरा जो खुल चुका है, उसके बाद दोस्तों मुझे करना क्या है कि यहाँ पे फिर दोबारा जो यूज़र नेम और जो मैंने पासवर्ड भरा था वो देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भर चुका हूँ, अब मैं करता हूँ लॉग ऑन। और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि मेरा यहाँ पे जो डाटा है मेरे पीसी में आ चुका है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन का सभी डाटा यही है। और यहाँ से अगर मैं आपको जो कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ कुछ सामान, जैसे कि इस ये सारा डाटा मैं यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है कि डाटा स्लो स्पीड में होता है, ये काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको किसी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकेंगे कि वायरलेस जो डाटा है काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, ये नहीं है कि बहुत ही स्लो होगा। और आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह जो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड होता है। आप दोस्तों यहाँ पे मैं इसको मतलब डाटा जो सेंड और रिसीव करने के बाद यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको स्टॉप पे क्लिक करना है और आपका जो वायरलेस डिसकनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, उसमें भी दोस्तों सेम ऐसे ही करना है आपको। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास जो फाइल एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर, आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे शुरू शुरू में इस तरह ऑप्शन आता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना क्या है कि यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं नेटवर्क ऑप्शन, नेटवर्क ऑप्शन में आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देखिए और इसको स्टार सर्विस कर दीजिए, यहाँ पे रैंडम पोर्ट आएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए 21 की जगह रैंडम पोर्ट आ चुका है और ये एड्रेस है और सेम यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। तो आप उस हिसाब से सेम वही आपको स्टेप फॉलो करना जैसे मैंने बताया। आपको सिर्फ ये जो आपको एफटीपी सर्वर वहां पे भरना राइट क्लिक करके और बाद में यूजर नेम और पासवर्ड ये देना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि न्यू यहां पे आप देख रहे हैं न्यू लोकेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर करने के बाद रिमोट पे आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। और यहां पे फिर आप दोस्तों देखिए कि एफटीपी इसके ऊपर आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहां पे चाहे जो होस्ट नेम दे सकते हैं आप कोई भर सकते हैं और यहां पे पोर्ट दे सकते हैं, जैसे किस है तो किस किस भर सकते हैं और यूजर नेम पासवर्ड भर सकते हैं या फिर एनी कर सकते हैं। उसके बाद ओके करके आप स्टार सर्विस कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी वही स्टेप यही है और मतलब आप इस कोई सा भी जो फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर था उसके सहायता से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही अच्छा तरीका है। या फिर जैसे मान लीजिए कि कहीं सॉफ्टवेयर होते हैं वाईफाई एफटीपी सर्वर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको कोई भी अच्छा लगता है तो वहां पे इस तरह आप जो वायरलेस डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।